हाफिज सईद पुओ भी आतंकवादी घोषित लश्करे तोयबार सह प्रतिष्ठाता तथा जमात उद दवार मुखिया हाफिज सईद पुओ हाफिज तलहा सईद को आतंकवादी घोषणा कले भारत सरकार। एने गृह मंत्रालय विज्ञप्ति जारी होई बेआईन गतिविधि अधिनियम 1967 अधिनियम अनुजाई घोषणा होई। ए विज्ञप्ति रे दर्शाई हाफिज तलहा लश्कर मौलवी शाखार मुखिया अछि। से भारत में आतंकवादी गतिविधि पर पांठि जोगाड़ आतंकवादी को भर्ती करिबा तांकु तालीम देबा काम करे। से भारत और आफगानिस्तान रे भारतीय संपत्ति को नष्ट करिबा पई योजना करे। से निज भाषण रे भारत इजराइल और आमेरिका विरोध रे जिहाद पई बारंबार आह्वान देथाय सेति पई ताकु आतंकवादी श्रेणी रे शामिल करा जाउछि। गुजरात रु चिन्हट हेले कोरोना वैक्सी वेरिएंट संक्रमित तेबे मार्च 13 रे संपृक्त युवकों कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आसीथिला। से संपूर्ण सुस्थ थिले एबे से एक्सी वेरिएंट रे संक्रमित होइथिबा जणा पडिछि। देशरे एक्सी वेरिएंट एबे चिंता बढ़ाउछि। द्रुत गति रे संक्रमित कराउथिबा एही वेरिएंट BA.2 वेरिएंट थारु 10 गुणा अधिक संक्रामक। एपटे देशर विभिन्न राज्य रे बढ़ुथिबा संक्रमण को आखि आगरे रखि पांच राज्य को चिट्ठी लेखिले केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय। दिल्ली हरियाणा केरल महाराष्ट्र और मिजोरम सरकार को सजग रहा निर्देश देते केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय। केरल में गत सप्ताह 2321 मामला चिन्हट हो देश में चिन्हट नुआ मामला संक्रमण मामलार यह हो 31.8%। राज्य में साप्ताहिक पजिट हार 13.45% 15.53% को वृद्धि पाई। श्रीलंकार आर्थिक संकट भितर राजनैतिक संकट राष्ट्रपति गोटाबायों विरोध में आसीपे महाभियोग प्रस्ताव केवल से नुहे श्रीलंका सरकार विरोध में अनास्था प्रस्ताव अणाजी देशर मुख्य विरोधी दल नेता साजिद प्रेमदासा। साजिद कहते श्रीलंका सरकार वर्तमान संकट को समाधान करिबारे विफल हेले राष्ट्रपति विरोध में महाभियोग प्रस्ताव अणाजी एथस श्रीलंका सरकार विरोध में अनास्था प्रस्ताव भी अणाजी। आर्थिक संकटर समाधान करिबारे श्रीलंका सरकार पाखरे किछि भी योजना नाही बरं स्थिति आहुरी खराब हेउछि। लोके राष्ट्रपति इस्तफा दाबी करी राजरास्तारे आंदोलन चलाइथिबा कहिछन्ति विरोधी दल नेता। वर्तमान स्थिति रे राष्ट्रपति क्षमता ह्रास करा जाय याहाकु कार्यपालिका व्यवस्थापिका और न्यायपालिका मध्यरे बांटी दिया जिबा उचित। कोलंबोरे थिबा अमेरिका दूतावास आगरे विक्षोभकारी माने प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे संपत्ति फ्रीज करिबा दाबी रे विक्षोभ करिछन्ति। अमेरिकार थिबा राजपक्षे एक संपत्ति फ्रीज करिबाकु दाबी करिछन्ति आंदोलनकारी। फ्रीज संपत्ति को देश को अणाजीबा सह संकट बेले कामरे लगा जाउ बोली स्लोगान देइछन्ति। आर्थिक संकट भितरे प्रधानमंत्री खसी जाई पारिबे नाही बोली कहिछन्ति विक्षोभकारी। श्रीलंकार केन्द्रीय बैंक सुधहार को 700 बेसिस पॉइंट को वृद्धि करिछन्ति जहां पूर्वर सुधहार तुलन में 2 गुणा। इतिहास रचिला स्पेस एक्स आरंभ हेला घरोई महाकाश यात्रा। प्रथम थर पर अंतरिक्ष को घरोई महाकाश जारी को नहीं स्पेस एक्स महाकाश जान जा महाकाश जान गत आमेरिका फ्लोरीडार केनेडी स्पेस सेन्टर यात्रा आरंभ कर 20 घंटा यात्रा करी आज अंतराष्ट्रीय महाकाश स्टेशन में पहुंच। पूर्व स्पेस एक्स केवल रकेट उपग्रह महाकाश को पठाऊला प्रथम थर पर यह महाकाश जारी को नहीं यात्रा करासा। यह अभियान ना रही मिशन एक्जियम। स्पेस एक्स लॉन्च व्हीकल 25 महला उच्चता विशिष्ट यह रही फाल्कन 9 रॉकेट यह रही क्रू ड्रैगन कैप्सूल। क्रू कंपार्टमेंट मध्य लगी कैमेरा उत्क्षेपण बेले यार लाइव फुटेज भी देखा मिली। यात्री नेतृत्व नासार सेवानिवृत्त अंतरिक्ष यात्री माइकल लोफेज। माइकल को व्यतीत अमेरिकार प्रजुक्ति व्यवसायी लारी कन्नर कानाडार व्यवसायी मार्क पेथी और इज्राएल आइटन स्टीव भी सामिल अछन्ति। फ्रांस रे राष्ट्रपति निर्वाचन रे हिजाब पलटिछि निर्वाचनी प्रसंग। राष्ट्रपति पद लागि प्रार्थी होइथिबा मरीन ली पेन हिजाब को नै दैछन्ति गुरुत्वपूर्ण मंतव्य। से कहिछन्ति जदि से क्षमता को आसन्ति तबे सर्वसाधारण स्थान रे हिजाब उपरे लागिबो ब्यान। जदि केहि सर्वसाधारण स्थान रे हिजाब पिंधि बाहरन्ति तबे तांको उपरे जोरिमाना लागिबो। ए कथा भी कहिछन्ति भलो भाबे से जानन्ति जे तांकर एही नियम को भेदभावपूर्ण बोली कहाजिबो एहाकु संवैधानिक चैलेंज भी करा जिवो सेति पई से जनमत संग्रह रास्ता अपनेबे। एक रेडियो साक्षात्कार से कहिछन्ति जेपरी सीट बेल्ट न पिंधिले फाइन लागुछि सेपरी हिजाब पिंधिले जोरिमाना आदाय हेबो एहाकु पुलिस कड़ाकड़ी लागू करिबे।
पूर्वरु फ्रांस रे स्कूल रे जे कोनोसी धार्मिक चिन्ह पिंधि आसीबा उपरे प्रतिबंधक रहिछि। मिलिला चापुड़ा मारिबा सजा, दंडित हेले हॉलीवुड अभिनेता विल स्मिथ। ओस्कार पुरस्कार उत्सव में सामिल होगा लगला ब्यान। एही पुरस्कार उत्सव में आसंता दस वर्ष पर्यंत सामिल हो पारे हॉलीवुड रो स्टार विल स्मिथ। निकट में शेष होता ओस्कार अवार्ड में ख्यातनामा कॉमेडियन क्रिस रॉक को चापुड़ा मारी चर्चा घेर को आसते विल स्मिथ। उत्सव में क्रिस रॉक को चापुड़ा मारिबा कारण ओस्कार अवार्ड रु दस वर्ष पर्यंत सामिल होगा उपर प्रतिबंधक लगाई। हॉलीवुड फिल्म एकेडमी रो बोर्ड ऑफ गवर्नर पक्ष सूचना मिली। विल स्मिथ ओस्कार सह हॉलीवुड एकेडमी पक्ष आयोजित कौनसी कार्यक्रम में जोग दे पारे ना। 2022 ओस्कार अवार्ड में हॉलीवुड अभिनेता विल स्मिथ स्टेज उपरे क्रिस रॉक को चापुड़ा मारी। अभिनेता विल स्मिथ को पत्नी को उपरे क्रिस रॉक स्टेज उपरे रही टिप्पणी करथिले जहां को नापसंद करबा सह से रागी जाइथिले। कार्यक्रम मझे विल स्मिथ स्टेज उपरक जाए क्रिस को चापुड़ा मारी। घटना सारा विश्व में चर्चा होता पर विल स्मिथ निज कर भूल पर क्षमा भी मागी क्रिस को। हिमाचल प्रदेश रे आम आदमी पार्टी को बड़ झटका। आप छाड़िले हिमाचल प्रदेश रो मुख्य अनूप केसरी संगठन महामंत्री सतीश ठाकुर और वरिष्ठ नेता इकबाल सिंह। यह तीन वरिष्ठ नेता आप छाड़ी बीजेपी में सामिल होती। केन्द्रमंत्री अनुराग ठाकुर उपस्थित रे बीजेपी में सामिल होती नेता एमानको बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा स्वागत करते। प्रधानमंत्री विकासमूलक धारा में सामिल हो बीजेपी में सामिल होता सतीश। केजरीवाल रोड शो रो गोटे दिन पर दल छाड़ी तीन वरिष्ठ नेता और हिमाचली अपना अपमान कभी नहीं सहन करता है और यही शायद आम आदमी पार्टी के हिमाचल के अध्यक्ष अनूप केसरी जी और महामंत्री सतीश ठाकुर जी इकबाल जी सब ने मिलकर ये तय किया है कि हिमाचल के स्वाभिमान के लिए अपने स्वाभिमान के लिए ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और जो हिमाचली है वो स्वाभिमानी है। इसलिए इन सभी कार्यकर्ताओं की अनदेखी और किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी मान सम्मान नहीं देना, इससे दुखी होकर कार्यकर्ताओं की भावना को देखते हुए हम सभी ने आज बीजेपी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और हमारे हिमाचल की आन बान शान भाई अनुराग जी केंद्रीय मंत्री, इनके नेतृत्व में आज हमने पार्टी ज्वाइन की है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद निर्वाचन पर वोटिंग जारी रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में निजर मताधिकार सब्यस्त कर 27 आसन पर वोटिंग होता बेले बीजेपी और समाजवादी पार्टी मध्य कड़ा मुकाबला। बीजेपी अधिकरू अधिक आसन में जितवा नहीं आशावादी। 36 आसन मध्य बीजेपी 9 आसन में विजय होती। आसंता मंगलवार आसव विधान परिषद निर्वाचन फलाफल। जो 36 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी इनमें से 9 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध चुने गए हैं। 27 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। गोरखपुर महाराजगंज सीट पर भी आज चुनाव यहां पर आयोजित हो रहा है तो एक मतदाता के नाते मैं भी अपना मतदान यहाँ पर करने के लिए यहाँ पर विशेष रूप से आया हूँ। ब्रेक पर स्वागत। पुणी जने महिला को मुंडरे सुना कलश। भुवनेश्वर महानगर निगम रे डेपुटी मेयर पदरे भी जने महिला। बीजेडी पक्षरु प्रार्थी होइतिबा मंजुलता कहर होइछंती बीएमसी रो नुआ डेपुटी मेयर। 22 नंबर वार्ड रो कॉर्पोरेटर थिबा मंजुलता एकमात्र प्रार्थी भाबे नामांकन पत्र दाखल करथिले। आउ केही प्रार्थी पत्र दाखल करि नथिबारु मंजुलता बिना प्रतिद्वंदिता रे डेपुटी मेयर भाबे निर्वाचित होइछंती। 22 नंबर वार्ड रु 476 वोट रे जितिछंती मंजुलता। आउ प्रथम थोर पई से बीजेडी रु टिकट पई निर्वाचन लढ़िथिले। संबलपुर विश्वविद्यालय रु राजनीति विज्ञान रे पीजी करिछंती मंजुलता। राजनीति विज्ञान रे स्नातकोत्तर ता संगे डायरेक्ट पॉलिटिक्स आसिले मंजुलता कौर बस्ती रु प्रतिनिधित्व कले बीजेडी खेला महिला कार्ड। मैडम पुणी महिला कार्ड खेला गला एवं आपण विश्वास करनथिले जे आपण गोटे एठी गोटे उपाधि दिया दायित्व ग्रहण कले कौन रहे प्राथमिक प्रतिक्रिया
प्रथमे तो माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय विधायक सुशांत राउत धन्यवाद जनइबी जे शुभ दायित्व देखते गुरु दायित्व तेणु मुझे निश्चय ध्यान देवी आम भुवनेश्वर महानगर निगम किपरि उन्नति हे आम लोक सहित मुझे सब रही किपर जहाँ भी दायित्व दिज्व निश्चय सुचारू रूप समाधान जहाँ सब मौलिक समस्या रही है समाधान करने दिग्वे गोटे बड़ भूमिका निर्वाह करेंगे भुवनेश्वर कैमरापर्सन संजय साहू सुमन सुंदर राय भुवनेश्वर नुआ मेयर भाव शपथ नेले सुलोचना दास बीएमसी कार्यालय कन्फरेन्स हल्रे शपथ नहीं प्रथम महिला मेयर सुलोचना दास सुलोचना शपथ नेले 67 जन निर्वाचित कर्पोरेटर पौर प्रशासक संग्रामजीत नायक कराई शपथ पाठ शपथ पर दायित्व ग्रहण कर नुआ महिला मेयर दायित्व ग्रहण पर सुलोचना लोकों पाखे पहुंची आ भुवनेश्वर को एक नंबर महानगर निगम में परिणत करने को चेष्टा करी भुवनेश्वर विकास प्राथमिकता हेबो लोकों पाखे समस्त योजना पहुंचाइबा को चेष्टा करी सुलोचना समस्त भुवनेश्वरवासी को धन्यवाद देते समस्त नवनिर्वाचित कर्पोरेटर को शुभेच्छा जनाई शपथ ग्रहण पूर्व महाप्रभु लिंगराज को दर्शन करते भुवनेश्वर मेयर सुलोचना दास मंत्री अशोक पंडा भी महाप्रभु को दर्शन करते 67 कॉर्पोरेटर एवं समस्त भुवनेश्वर म्युनिसिपालिटी समस्त कर्मकर्ता समस्ते आम मिलित भाव आमको जो आशीर्वाद भुवनेश्वरवासी जो आशा और भरोसा स्थापन करुवनेश्वरवासी धन्यवाद देवी एवं तांकर जो आशा भरोसा रही आम समस्ते समन्वित भाव में मिलित हो तीन विधायक भुवनेश्वर समस्त सहयोग रही आम समस्ते समन्वित भाव में भुवनेश्वर विकास करूँ एवं डोर स्टेप भुवनेश्वर प्रत्येक लोक आम पर डोर स्टेप सेवा जोगेबु जो विजन नहीं कि आम प्रतिश्रुति प्रतिज्ञा करूँ लोकों पाखे जहाँ भरोसा लोक मान आशीर्वाद आमको मिली भुवनेश्वरवासी से कथा को पुणि थे दोहराचु जे भुवनेश्वरवासी सेवा हूँ आम प्रकृत मान प्रथम दायित्व ब्रह्मपुर बहुचर्चित तपस्विनी सुमित विवाद मामला यह मामलें हाइकोर्ट मध्यस्थता केन्द्र में हाजर होते उभय तपस्विनी और सुमित प्रथम थर पर आज उभय मध्यस्थता केन्द्र में हाजर होते उभयों भितर मध्यस्थता हाइकोर्ट कटक जुडिशियल एकेडमी रे आरंभ होला 48 घंटिया मेडिएशन प्रशिक्षण कर्मशाला ओडिशा आईन सेवा प्राधिकरण आनुकूल्य आईन विषयवस्तु उपर आधारित मध्यस्थता जरिया रे मामलार त्वरित समाधान संपर्कित 40 घंटिया ट्रेनिंग कर्मशाला आरंभ होई छि सुप्रीम कोर्ट रो विचारपति जस्टिस विनीत सरन एक कार्यक्रम रे मुख्य अतिथि भाबे जोगदे शुभारंभ करथिले कर्मशाला 5 दिन धरि चालिबो एथिरे कटक जगतसिंहपुर केन्द्रापडा ढेंकनाल खोरधारु 6 जन लेखाए 30 जन विचार विभागीय अधिकारी अंश ग्रहण करिसथि ए अधिकारी को प्रशिक्षण देवा पाई दिल्ली उच्च न्यायालय मध्यस्थता केन्द्र वरिष्ठ प्रशिक्षिका बिना राली दिल्ली उच्च न्यायालय वरिष्ठ आईनजीवी जेपी सिंह मध्यस्थता जरिया मामला गुड़िक किपरि सुचारू रूपे समाधान हो पार उचित न्याय उभय पक्ष पाई से नहीं परिचालना करेंगे उद्घाटन में हाइकोर्ट मुख्य विचारपति डॉक्टर जस्टिस एस मुरलीधर और अनन्या विचारपति उपस्थित थे आज श्रीलिंगराज रुकुणा रथयात्रा और 2 वर्ष पर पुणि एकाम्र क्षेत्र में लगे गहली रथारूढ़ बाबा लिंगराज दर्शन करेंगे और रथ टाणी भक्त एथपाई नीति निर्घंट चूड़ा होती भोर 5:30-5:30 मध्य मंगल आलती और अवकाश नीति होता मध्यान 12:30 पहंडी नीति आरंभ होती अपराह 3:30 आरंभ हो महाप्रभु रथ टणा 2020 रे महामारी भय रे संपूर्ण बंद थिला रथयात्रा 21 रे बिना भक्त रे 144 धारा बल रे अनुष्ठित होइथिला रथयात्रा पुलिस ओ सेवायत रथ टाणीथिले आउ एथरो 2 वर्ष परे पुणी भक्त माने रथ टाणीबे एबडे लिंगराज मंदिर रे आजिठू गर्भगृह दर्शन कोविड काल लागि आडकाठ निकटरु दर्शन करूथिले भक्त आजिठू गर्भगृह दर्शन करि पारिबे भक्त ढेंकानाल जिला कामाख्या नगर कंकड़ा हाड़र तंडी मुंडा निकटरे एक मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना जेउथरे जणकर मृत्यु होइछे मृतक जणक कामाख्या नगर महुलपाल गांव संतोष सासमार से कौनसी कामरे घरु कंकड़ा हाड़ जाउथिबा बेले तंडी मुंडा गां निकटरे भारसाम्य हराई रास्ता कडरे थिबा गछरे पिटी होइ जायथिले दुर्घटना स्थलरे ही तांकर मृत्यु होइछि दुर्घटनाटी एते भयंकर होइथिला जे गाड़ीटी संपूर्ण चुरमार होइ जायछि घटना संपर्क में खबर पाई कंकड़ाहाड़ पुलिस पहुंची मृतदेह जबत करी अधिक तदंत करी
ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର 86ତମ ଚୈତି ପର୍ବ। ଏହା ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ଯାଏ ଚାଲିବ। ଚୈତି ପର୍ବରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମା ସୁନାବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚୈତି ପର୍ବ ଅବସରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ସହ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପରିସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାର୍ପୋଲିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଓ ଭୋଗ ପାଇଁ ଅଲଗା ଧାଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଏହି 7 ଦିନ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହ ଚଣ୍ଡିପାଠ, ଭାଗବତ ପାଠ ଓ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିସହ ଦିନ ବେଳେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରବଚନ ଓ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରାଯିବ। ଏହି 7 ଦିନ ସୁନାବେଶରେ ମା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମାଆଙ୍କ ମହିମା ପୁରା ଅପାର। ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପେଟ ପୁରିଯାଏ, ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମୁଁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତି ହେଲା। ମୁଁ ଏଠି ରାତ୍ରି ରହଣି କରିଥିଲି ଆଉ ସକାଳୁ ଆସିକି ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିଲି, ଇଏ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଆଉ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଆଉ ଏଇ ପର୍ବ ଏଇନା ଯେଉଁ ଯେ ଚାଲିବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ମୋ ପାଖରେ ଭାଷା ନାହିଁ। ଏତେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଆଉ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନାର ଏ ମାଆଙ୍କର ସୁନାବାସ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। 7 ଦିନ ଧରିକି ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଚୈତି ପର୍ବ ପାଳନ କରାହେଉଛି, ତାପରେ ଆମେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିକି ପୁରା ଟେଣ୍ଟ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ବାକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ତା'ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ନଡ଼ିଆ ନେଇ ଭକ୍ତମାନେ ଭୋଗ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଧାଡ଼ି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଧାଡ଼ିର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛୁ। ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ବି ଆମେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଡ଼ କରି ରଖିଛୁ। ରାମନବମୀ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଶିରିଡ଼ିରେ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ। ସାଇବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜାଯାଇଛି। ଏ ବର୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫୁଲରେ ସଜାଯାଇଛି ସାଇ ମନ୍ଦିରକୁ। କରୋନା ଯୋଗୁଁ 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ରହିବା ପରେ ଶିରିଡ଼ିରେ ରାମନବମୀ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏ ବର୍ଷ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଭକ୍ତ ସଦାଶିବ ଦାସ। ସେ ସାଇ ସମାଧି ମନ୍ଦିରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଫୁଲରେ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଯେତେ ଫୁଲ ଲାଗିଛି ତା'ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦାନୀ ଭକ୍ତଙ୍କ କହିବା କଥା, ସାଇବାବାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଦେଲେ ସେ 10 ହାତରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସବୁକିଛି ତାଙ୍କରି ଦାନ। ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ସାଜସଜା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ସେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଛନ୍ତି। ଓ ଯେଉଁ ବାବା କା ମନ୍ଦିର ସଜାୟା ହେ ୟେ 4 ଲକ୍ଷ ରୁପିଆ ଲଗା ହେ ଆର୍ ବାବା କା କୃପା ସେ ୟେ ଦିଆ ହୁଆ ହେ। ବାବା କା ଦିଆ ହୁଆ ଧନ ହେ, ମେରା ହି ନହିଁ ହେ। ବାବା କା ଦିଆ ହୁଆ ଯେଉଁ ମିଲା ହେ ବାବା କା କୃପା ସେ ଓ ବାବା କା ପାସ ଓ ଦିଆ ହୁଁ। ବାବା କା ସମାଧି ମନ୍ଦିର ଓ ଦର୍କାମୟୀ ଅର୍ ଯେଉଁ ଶନି ମନ୍ଦିର, ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର, ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅର୍ ଚାର ଗେଟ୍ ଚାରି ତରଫ ସଜା ହୁଆ ହେ। 2 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଗତକାଲିଠୁ 9ମ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମହୋତ୍ସବ 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ଉପବାଚସ୍ପତି ରଜନୀକାନ୍ତ ସିଂ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ତାଳଚେର ବିଧାୟକ ବ୍ରଜକିଶୋର ପ୍ରଧାନ, ଛେଣ୍ଡିପଦା ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସ୍ୱାକର ସ୍ୱାଇ, ଏସ୍ପି ଜଗମୋହନ ମୀନା, ନାଲ୍କୋ ଏନ୍ଟିପିସି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ ଉଦ୍ୟୋଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତଥାପି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସୁନାମଧନ୍ୟ ଗାୟିକା ନାଭିଆଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ପରେ ନନ୍ସେନ୍ସ ମଣି ତାଙ୍କ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ କଥାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ହସାଇଥିଲେ। ବଲିଉଡ଼ର ଜଣାଶୁଣା କଳାକାର ଷ୍ଟେଭିନ୍ ବେନ୍ଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ବି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଥିଲା। ଆଜି ଓ କାଲିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବଲିଉଡ଼ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣାଶୁଣା କଳାକାର ଯୋଗ ଦେବେ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିକରି ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ବର୍ଷ ପରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ ଉଲ୍ଲାସର ଏକ ଏଇଟା ଉତ୍ସବ ଅଛି, ତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ରୂପବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ ଆଜି ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ଖୁସି ହୁଁ ଓ ମୁଁ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ମଜା ଆୟା ଦେଖକର କି ଇତନେ ସାରେ ୟହାଁ ପର ଲୋକ ହୈ ଓର ଇତନେ ଲୋକ ଇକଠା ହୁଏ ଅଙ୍ଗୁଳ ମହୋତ୍ସବ କେ ଲିଏ, କ୍ୟୁକି ୟେ ମେରା ପହଲି ବାର ହୈ ୟହାଁ ପର ହାଁ ଓର ପହଲି ବାର ୟହାଁ ଆକର ଇତନେ ଲୋକୋଁ କୋ ଇତନା ଇତନି ଏନର୍ଜି ଦେଖକର ଏତେ ଖୁସି ହୋ ରହି ହୈ କି ୟାର କି ୟହାଁ ପେ ଭି ଇତନେ ଲୋକ ହୈ ଜୋ ମ୍ୟୁଜିକ ସୁନତେ ହୋ ଜିନକୋ ମ୍ୟୁଜିକ କା ଇତନା କ୍ରେଜ ହୈ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ଜଗତସିଂହପୁରରେ ସୁଧୁରିନି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା। ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକ ଡାବର ଓ ମହନା ପାରିରେ 2ଟି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହା ଅଚଳ। ଖରାଦିନେ ଲୋକେ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବସୁଧା ଯୋଜନାର ଚକଚକ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁନି। ଜଗତସିଂହପୁର ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକର ଡାବରରେ ପାଣି ଯୋଗାଣ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ ଲିଟର କ୍ଷମତାର ପାଣି ଟାଙ୍କି ତିଆରି ହେଲା। ହେଲେ ପାଣି ଟାଙ୍କିକୁ ପହଞ୍ଚି ନପାରିବାରୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା।
ସେତେବେଳେ ମାସକରେ ଥରେ ଅଧେ ଚାଲୁଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ ଲୋକ ଓ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନେ ଖରାଦିନରେ ପାଣି ଟୋପାଏ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଣି ଚଳାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତରେ 2000 ଲୋକ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାତ୍ର ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତରେ 4 ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ତା ପାଖକୁ ବି ପାଣି ଯାଇପାରୁନି, ନଳର ଫାଟିଯାଇଛି, ପାଣି ସବୁ ଲିକେଜ୍ ହେଉଛି। ପାଣି ପାଇପ୍ ବସିଲା ଦିନଠାରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, କାରଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଦିଆ ଚାଲିଛି, ହେଲେ ଲୋକ ଅସୁବିଧାର ଖରାଦିନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ପାଣି ଟୋ ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ, ବଡ଼ ହଇରାଣରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ସରକାର ବସୁଧା ଜଳ ଜୀବିକା ମିଶନ ଆଦି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକର ଡାବର ଓ ମୋହନାପାରିରେ 2 ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ 10 ପରେ ବି 2 ଯାକ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡପୋଷ୍ଟ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ଡାବର ପଞ୍ଚାୟତର 8 ୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ବାକି ଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ ବୋଲି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଣି ଦେଉନାହାନ୍ତି ନା ଚଲାଇବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ପୁଣି ଗୋଟାଏ ପାଇପ୍ରେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଚଳାଇବା ପାଇଁ। ପୁଣି କେମିତି ଚଳିବେ, ପୁଣି ପାଣିଟା ସୁବିଧା କରିବେ ନା? ଦୀର୍ଘ ଦିନ 11 ଧରି ପାଣି ଟାଙ୍କି ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଆମର ଏଠି ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। ମୁଁ BDO ଆଉ ଉପର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି ଯେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ହେଲେ ବିଶେଷ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏଠି ଯେଉଁ ଡାବର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ମାନେ ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଲାଇନ୍ ଡିସକନେକ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା। ଏବେ ଲାଇନ୍ କନେକ୍ସନ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଆମେ ପାଣି ଦେଇହେବ, ଏବେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଧଉଳା ହୋଇଥିବା ଚକ୍ଚକ୍ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 10 ଧରି ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ କେବେ ପାଣି ମିଳିବ ତାକୁ ଲୋକେ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ସରୋଜ ସାହୁ, News 18 ଓଡ଼ିଆ।